सरकार कोई भी हो, मजदूरों की बात सबको सुनना चाहिए। अगर उसका घर अगर 5,000-7,000 में चले तो माननीय मुख्यमंत्री को भी 5,000 में घर चलाए। गरीब आदमी जिसका 2-3 बच्चा है वो 5,000-7,000 में घर चलेगा, ये मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो उनका चरण धोकर पीते हैं। आप सभी को info.com न्यूज का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, जी हाँ, यही था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 105वें संस्करण में जनता को आह्वान, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक और सार्वजनिक जिम्मेदारी है, जिसे सबको मिलकर निभाने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान पखवाड़ा, स्वच्छता ही सेवा को सफल बनाने के लिए अपने निकटतम स्थल, पार्क, तालाब, खेल के मैदान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि पर स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की। इसी कड़ी में आज पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर भी भारी संख्या में लोगों ने स्वच्छता हेतु श्रमदान किया। आइए चलते हैं और सुनते हैं स्वच्छता दूतों को। अभियान के बारे में बताइए, कौन सा अभियान है और इसके अंदर क्या क्या किया जाना है? 2 अक्टूबर पूज्य गांधी जी के जयंती के अवसर पर, पूर्व संध्या पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान है स्वच्छता अभियान के तहत पूरे भारत वर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हर एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आप जहाँ भी हो, अपने मोहल्ला में, अपने शहर में, अपने कस्बा में, हर जगह स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू मारिए, सफाई कीजिए। और वैसे भी आप देख रहे हैं बोरिंग रोड चौराहा पर पटना नगर निगम की हड़ताल भी है। बिहार सरकार की निकम्मी नीतियों के चलते पूरे पटना में जाएंगे तो बदबू दे रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के और RSS के जुड़े हुए लोग, सामाजिक संस्थान से जो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करता है, वैसे लोग सभी जगह मोहल्ला में अपना सफाई अभियान चला रहे हैं। और इसी हड़ताल के वजह से भी पटना में इतनी गंदगी है, जो रियल में सफाई होनी चाहिए। अपनी मोहल्ला में हर जगह जाकर देखेंगे कि स्वच्छता अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे सभी लोग अपना सफाई अभियान चला रहे हैं। 11 दिन की नगर निगम की हड़ताल की बात को छोड़ दें तो इसके पहले भी स्वच्छता अभियान जो है राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर जो है चलाया गया है, उसके बावजूद स्वच्छता में बिहार का, पटना का रैंकिंग जो है वो बहुत कम है, इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है? ये बिहार सरकार बिल्कुल फेल होती जा रही है, निकम्मी होती जा रही है। आप देखिए कि पिछले 10 दिन से यहाँ पर जो है नगर निगम का लोग काम नहीं कर पा रहा, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे स्थिति में पता नहीं प्रभु का कुछ दिव्य दृष्टि है भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, जो कि उन्होंने ये घोषणा किए कि जो है गांधी जी के अवसर पर तमाम लोग, चाहे वो पार्टी के लोग हों, नेता हों, लीडर हों, जो भी लोग हों, सामान्य लोग हों, सभी अपने घर परिवार मोहल्ला समाज को साफ सुथरा कीजिए, जिससे कि अभी खास करके पटना बिहार में जो दुर्गति है, चारों तरफ दुर्गंध आ रही है, तो कम से कम सभी लोग मिलके साफ सुथरा कर रहे हैं, जिससे हम लोग मना यह लग रहा है कि अपने आप को संभाल रहे हैं। चारों तरफ डेंगू फैला हुआ है, पूरा बिहार त्रासदी में है, लेकिन धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने घोषणा करके महात्मा गांधी के अति पे, जन्मदिन पे, जो कि आज हम लोग इसको स्वच्छ और पवित्र करने में सक्षम हो पा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वच्छता अभियान में लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, और इसके विस्तार के लिए और क्या किए जाने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो ये नीतीश कुमार के निकम्मी सरकार को जागना आवश्यक है। आप बताइए, जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, उनका जो मानदेय है वो कितना कम है, हड़ताल वहीं से है। 8,000, 5,000, 7,000 पर एक गरीब आदमी का घर चलेगा? आप जोड़ के देखिए, नीतीश कुमार जी को बोलिए ये घर चलाए 8,000 पर, तो सफाई कहाँ से होगी? हड़ताल पर तो जाएगा, लेकिन ये निकम्मी सरकार आराम से अपना खाना है, दंड पेलना हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले सरकार को जागना बहुत आवश्यक है, और ये नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, जो 24/7 काम करते हैं, उनके आह्वान पर हम सभी स्वयं सेवक बंधु यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं। ये क्यों आवश्यकता पड़ी? ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आप देख लीजिए मोहल्ला में कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, डेंगू की स्थिति देखिए, रोज 2,000-3,000 मरीज आ रहा है,
उसमें से 100 आदमी मर ही रहा है, तो उस विकट परिस्थिति से निकालने के लिए हम लोग आज अभियान को चला रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, उसको सफल बनाने के लिए हम लोग स्वयंसेवक निकल पड़े हैं। आपके सफाई अभियान में युवाओं की संख्या जो है वो बहुत कम है, ऐसा क्यों भाई? समय ऐसा है संडे का, सब लोग जो है कि आराम कर रहे हैं, और हमारे दुर्गा पूजा समिति के हुए, बीजेपी के हुए, आरएसएस के हुए, सब मित्र लोग आए हैं, जिनको श्रद्धा है वो कर रहे हैं, जिनको श्रद्धा नहीं वो घर में आराम कर रहे हैं। हड़ताल के बारे में आप क्या कहेंगे? यह देखिए सरकार को सबसे ज्यादा गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, उससे नीचे सत्तर का व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। जब उसका सैलरी कम से कम क्लर्क इतना होना चाहिए ताकि लोग अच्छा से जिंदगी, जिससे के बाल बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा मकान में रह सके, तब ना वो हम लोग पर ध्यान देगा कि बढ़िया सफाई करें। और सैलरी इतना कम मिलता, बारा खाना नहीं खाता बेचारा क्या करेगा, बाल बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ा नहीं पाता है। एक और अभियान है इसके तहत, बताइए आप स्वच्छता अभियान के बारे में और अपनी सहभागिता के बारे में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक घंटा देश के नाम, स्वच्छता के नाम से जो है कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया गया था, हम लोग उसी उनके आह्वान को सफल बनाने हेतु जो है हम सभी स्वयंसेवी और आसपास के जो भी समाजसेवी और स्थानीय निवासी हैं, हम लोग सभी जो हैं आज सुबह से जो है स्वच्छता अभियान जो है चला रहे हैं, और ये गांधी जी को जो है हमारा सच्चा जो है श्रद्धांजलि होगा, और इसी के तहत हम लोग जो है स्वच्छता चला रहे हैं। जी आप बताइए सर, स्वच्छता को, इस अभियान को दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, देखिए कैसे प्रेरित किया जाए लोगों को? स्वच्छता तो एकदम बिल्कुल सही बात है कि स्वच्छता रहना चाहिए, स्वच्छता बहुत सब चीज़ में आगे प्रोग्रेसिव करता है लोगों को। और आज सुबह से ही हम लोग अभी रविशंकर बाबू के साथ जो है उनके निवास स्थान के पास भी कूड़ा कचरा वगैरह हम लोग खुद वकील सब मिलकर वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाएं, फिर उसके बाद हम लोग दरभंगा काली घाट भी गए, तो स्वच्छ रहना बहुत स्वास्थ्य के लिए भी सही है और देश के लिए भी सही है। तो बताइए पर्व त्योहार का समय है अभी और साफ सफाई जो है वो ठीक से हो नहीं रही हड़ताल की वजह से, आखिर कैसे ये कटेगा पर्व? देखिए इसमें तो अभी जितना भी कहा जाए, हम लोग का जो ये सफाई अभियान है ये नगर निगम की काम थी, आज नगर निगम जो हमारी सरकार है इस सरकार की वजह से आज नगर निगम के सारे कर्मचारी लोग को भत्ता के वजह से या उनके किसी भी अपना निजी स्वार्थ क्या है नहीं है सरकार का ये समझते हैं, लेकिन कर्मियों को जो भुगतान होना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जिसके कारण आज हमारे ये दुर्दशा है, जो कि हमारे ये बिहार सरकार में पर डे इतना कचरा हो रहा है और सरकार को इस बात को आभास नहीं हो रही है, और नगर निगम का क्या कर सकता है, उसका जब वेतन भत्ता ही नहीं मिलेगा तो सरकार में क्या काम करेगा। भाई गोलू जी आप बताइए अभियान के बारे में, बताइए स्वच्छता अभियान के बारे में, बताइए। स्वच्छता अभियान के बारे में हम लोगों ने भागीदारी ली है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मुहिम है, इसमें हर नागरिक को भाग लेना चाहिए, इसलिए हम लोग भी अपना एक घंटा 10 से 11 बजे का जो समय है अपना समय देकर इस भागीदारी को पूर्ण रूप से इसको नियमित कैसे करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को छात्राओं को इसमें इसको हम लोग जोड़ने का, इस मुहिम को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जोड़ेंगे और हर लोगों की जितना ज़्यादा ज़्यादा होगा प्रेरित करेंगे कि साफ सफाई अपने घर मोहल्ले जहाँ से जहाँ तक हो ज़्यादा तक करना चाहिए, रहना चाहिए। झाड़ू सब लोग उठाइए ऊपर। देखिए इस स्वच्छता अभियान के तहत एक और बहुत अच्छा मैसेज है, मैसेज ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार स्वदेशी पर जोर देते हैं और ये पूरी तरह से स्वदेशी है, ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी की बनी हुई झाड़ू नहीं है, और ये गरीबों का हाथ से बनाया हुआ झाड़ू आज पूरे भारतवर्ष में करोड़ों पे ये झाड़ू बिक्री हुआ है और उनका रोजगार मिला है, उनका आमदनी हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी के कोई भी जो मैसेज होता है उसमें गरीबों से लेकर अब देश के हित में ही रहता है, इसलिए बार बार वो जो स्वदेशी पर जोर देते हैं तो पूरी तरह से स्वदेशी झाड़ू पूरे भारतवर्ष में यूज हो रहा है और गरीबों को रोजगार मिल रहा है इसमें।
स्वच्छता अभियान के बारे में बताइए अपनी सहभागिता। स्वच्छता अभियान के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि ये पटना नगर निगम जो है इसको सैलरी नहीं मिला और ना ही काम हो पा रहा। कारण यह है कि नगर बिहार सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मी हो गई है। पटना नगर निगम को सैलरी नहीं दे रही है, सैलरी नहीं दे रही है तो लोग खाना कहाँ से खाएंगे। गरीब गुरुआ जो भी है जो नगर निगम में काम करते हैं उनको किसी तरह का वेतन नहीं दिया गया, जो अभी तक लगता है 14-15 दिन से स्ट्राइक में है। और गली गली देखिएगा तो कचरा का अंबार भर गया है और पूरा मतलब सड़ैंधा महक ऐसा आएगा जिसका जवाब नहीं है। उसको बीमारी फैलने का पूरा संभावना है। अब देखिए डेंगू कितना बढ़ गया है, डेंगू बढ़ने के कारण हॉस्पिटल भर्ती होने के लिए जगह अब नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी बिहार सरकार है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। एक और सवाल है, कुछ सफाई कर्मियों से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि ये जो समस्या है जिस वजह से हड़ताल की गई है इसके लिए सिर्फ वर्तमान की सरकार नहीं बल्कि पूर्व की सरकारें भी जो है वो भी दोषी है कुछ हद तक। देखिए सरकार कोई भी हो, मजदूरों की बात सबको सुनना चाहिए। अगर उसका घर अगर 5,000-7,000 में चले तो माननीय मुख्यमंत्री को भी 5,000 में घर चलाए। गरीब आदमी जिसका 2-3 बच्चा है वो 5,000-7,000 में घर चलेगा, ये मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो उनका चरण धोकर पीते हैं, ये मुख्यमंत्री जी को बस सीख लेने की आवश्यकता है। अगर 5,000-7,000 में घर चले तो हम लोग भी घर चलाएंगे 5,000-7,000 में, ये मुख्यमंत्री को भी सोचने की आवश्यकता है। कम से कम 30,000 वेतनमान उनको मिलना चाहिए मजदूर को, तब उसकी घर चलेगी।